नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो अपराध की वारदात है वो है नांदेड़ महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। शुभांगी जोगदंड नांदेड़ के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से BHMS कर रही थी। वो तृतीय वर्ष की छात्रा थी। जनवरी 2023 का महीना था। इन दिनों वो अपने गाँव पिंपरी महिपाल में थी। उसका गाँव मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर दूर नांदेड़ जिले में स्थित है। गांव में आने पर भी शिवांगी अपने दोस्तों से बातें जरूर किया करती थी। पिछले 2-3 दिनों से उसके दोस्तों का शुभांगी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा शुभांगी से संपर्क साधने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उनका संपर्क नहीं हुआ तो सभी परेशान हो गए। इसी बीच 26 जनवरी 2023 को किसी व्यक्ति ने शुभांगी के लापता होने की जानकारी नांदेड़ के लिम्बगांव थाने में दे दी, तो वहां मौजूद SI चंद्रकांत इस सूचना की तस्दीक करने के लिए शुभांगी के गांव पिंपरी महिपाल निकल गए। SI चंद्रकांत जब शुभांगी के घर पहुंचे तो वहां उसके पिता जनार्दन जोगदंड मौजूद थे। उन्होंने जब उनसे शुभांगी के बारे में पूछताछ की तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। SI पूछताछ के लिए उसे थाने ले आए। थाने में जनार्दन से शुभांगी के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बड़ी ही आसानी से उसकी हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसके मुंह से बेटी की हत्या की बात सुनकर SI चंद्रकांत भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, उसका शव कहाँ है? सर, शव खेत में जलाने के बाद उसकी राख और अस्थियां नदी में बहा दी। इस काम में उसके बेटे, भतीजे और साले ने सहायता की थी, जनार्दन ने बताया। मामला गंभीर था, इसलिए SI चंद्रकांत ने इसकी सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। फिर SP के निर्देश पर पुलिस टीम ने जनार्दन को साथ लेकर अन्य आरोपियों के यहाँ दबिश देकर कृष्णा, गिरधारी, गोविंद और केशव शिवाजी को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। जनार्दन की निशानदेही पर पुलिस टीम उसके प्याज के खेत में पहुंची, जहां उसने 22 जनवरी 2023 की रात शिवांगी के शव का दाह संस्कार किया था। बाद में उस नदी तक भी पहुंची जहां उसकी राख फेंकी गई थी। पुलिस को बारीकी से तलाश करने पर वहां कुछ मानव अस्थियां बरामद हुई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। दोनों जगहों पर फॉरेंसिक टीम ने कुछ नमूने भी एकत्रित किए। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद शुभांगी के ऑनर किलिंग की जो कहानी सामने आई वो प्यार में सरोबार निकली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के पिंपरी महिपाल गाँव में जनार्दन जोगदंड अपने परिवार के साथ रहता था। ये जगह नांदेड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा था। वो खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी गांव में ही कर दी थी। बेटा कृष्णा और बेटी शुभांगी अभी पढ़ रहे थे। शुभांगी पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी मेहनत की वजह से उसे नांदेड़ के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और वो वहां से BHMS की पढ़ाई कर रही थी। इस साल उसका 5वां सेमेस्टर था। 22 साल की शुभांगी देखने में काफी खूबसूरत और हसमुख स्वभाव की थी। घर में सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए घर वालों को उम्मीद थी कि डॉक्टर बनकर वो घर का नाम रोशन करने के साथ घर की आमदनी बढ़ाने का जरिया भी बनेगी। उधर शुभांगी अपने ही गांव के देव नाम के एक युवक को बहुत चाहती थी। देव भी उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था। उनका प्यार उस मुकाम पर पहुंच गया कि उन्होंने साथ में मिलकर जीने और मरने की कसम तक खा डाली। फिलहाल देव और शुभांगी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों अपने भावी जीवन के सपने संजोने में मस्त थे, लेकिन ऐसी बातें अधिक दिनों तक कहां छिपती है। शुभांगी के घर वालों को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया तो वो भड़क उठे। ये सच था कि जनार्दन जोगदंड शुभांगी को बहुत प्यार करता था, मगर गांव के एक युवक के साथ प्यार की पींगे बढ़ाना उन्हें बहुत नागवार लगा। शुभांगी के माता पिता ने खानदान की इज्जत और अपनी ममता की दुहाई देकर उसे बहुत समझाया तो शुभांगी भी घर की इज्जत की खातिर अपने प्रेमी को भूलकर पिता की पसंद के किसी लड़के से शादी करने को तैयार हो गई। इससे जनार्दन जोगदंड बहुत खुश हुआ। जल्द ही उसने बेटी के लिए उचित लड़का तलाश कर लिया। उस युवक को भी शुभांगी पसंद आ गई तो जल्द ही उनकी सगाई तय कर दी गई। उधर शुभांगी के सगाई हो जाने की भनक जब उसके प्रेमी देव को मिली तो उसके पैरों तले से उसे जमीन खिसकती महसूस हुई।
सालों तक उसने जिस शुभांगी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सपना समझोया था वो किसी और की होने वाली थी। देव शुभांगी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था, इसलिए वो शुभांगी की सगाई तोड़ने की योजना में जुट गया। वो चाहता था कि किसी भी तरह शुभांगी की सगाई टूट जाए और फिर वो और शुभांगी एक साथ जीवन गुजार सके। उसके मोबाइल में शुभांगी के साथ बिताए हुए निजी पलों के बहुत सारे फोटो थे। अचानक उसके मन में विचार आया कि अगर वो इन फोटो को किसी तरह शुभांगी के होने वाले पति तक पहुंचा दे तो शुभांगी की सगाई टूट सकती है। देव ने जो बात मन में सोची थी उसे शुभांगी की सगाई की तारीख आने से कुछ दिन पहले अंजाम देने का निश्चय किया। उसने शुभांगी के होने वाले पति को शुभांगी के साथ बिताए हुए अपने निजी पलों के फोटो सौंप दिए। अपनी होने वाली पत्नी शुभांगी के अंतरंग पलों वाले फोटो किसी युवक के साथ देखते ही वो भड़क गया। इसका नतीजा ये हुआ कि होने वाले दामाद ने जनार्दन को उसकी बेटी की काली करतूत बताते हुए बहुत बुरा भला कहा और सगाई तोड़ दी, यानी शुभांगी की शादी उसके प्रेमी की वजह से टूट गई। जनार्दन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी की शादी को लेकर वो और उसका परिवार बड़े बड़े सपने देख रहा था उसी बेटी के कारण समाज में अपना मुंह छिपाना पड़ेगा। दरअसल जैसे ही गांव में शुभांगी की सगाई टूटने की बात फैली तो गांव के लोग उनसे मिलने से भी दूर भागने लगे। गांव में उसकी खूब बेइज्जती हुई। ये सब देखकर जनार्दन को शुभांगी पर बहुत गुस्सा आया। पत्नी को बताए बगैर उसने अपने बेटे कृष्णा, भतीजे गिरधारी, चचेरे भाई गोविंद और साले केशव शिवाजी कदम के साथ मिलकर शुभांगी की हत्या की योजना तैयार की। 22 जनवरी 2023 को जनार्दन जोगदंड ने किसी बहाने से अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। शाम होने पर जब शुभांगी खाना खाकर सो गई तो जनार्दन और साजिश में शामिल अन्य लोग दबे पांव उसके बेड के पास पहुंचे और गहरी नींद में सो रही शुभांगी का गला घोटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। आधी रात को जब हर तरफ सन्नाटा था, पांचों आरोपी घर से खाद के बोरे में शव को लेकर कुछ दूरी पर स्थित अपने प्याज के खेत में पहुंचे। शुभांगी के शव को खेत में रखकर ननिहाल से उसकी माँ को वहां बुला लिया गया। जनार्दन ने अपनी पत्नी से झूठ बोलते हुए कहा कि शुभांगी की करंट लगने से मौत हो गई है। उन्होंने उसे शुभांगी का शव का केवल चेहरा भर देखने के बाद शव को आनंद फानंद में जला दिया। वहां पर जो राख और अस्थियां बची थी उसे उन लोगों ने समेटा और कुछ दूरी पर बह रही नदी में डाल आए। जिस जगह पर शुभांगी का शव जलाया गया था सबूत पिटाने के लिए अगले दिन वहां पर हल चलवाकर पानी से अच्छी तरह पटाया ताकि लोगों को वहां जलने या राख आदि के कोई अवशेष दिखाई ना पड़े। अगले दिन से जनार्दन के परिवार के लोग घर में ऐसे रहने लगे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन नांदेड़ में शुभांगी के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट बार बार उसके मोबाइल पर फोन कर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जब 2-3 दिनों तक उनका शुभांगी से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने 26 जनवरी 2023 को पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। पांचों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।